हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पाई इंजीनियर्स पॉइंट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे बेटा, कैंटिलीवर बीम ड्यू टू पॉइंट लोड और ड्यू टू यूडीएल डिफ्लेक्शन और स्लोप क्या होता है, ये आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, डेरिवेशन है, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आते हैं और आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं ना थ्योरी में। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है ठीक है, और इसके ऊपर सेंटर के ऊपर पॉइंट लोड लगा है, तो मेरा स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये मैंने देखिए पूरा सॉल्व करके रखा है बेटा, आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ, फटाफट समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है, जिसके दोनों एंड पे मूवमेंट क्या होता है, जीरो, और दो सपोर्ट्स होते हैं दो एंड पे, तो दो एंड पे दो सपोर्ट्स लगा दिए, सेंटर में पॉइंट लोड लगा है, इसे पॉइंट लोड बोला जाता है या फिर कंसंट्रेटेड लोड बोला जाता है ना। स्पान कितना है, एल है, पूरा स्पान यहां से यहां तक जो मेरा स्पान है कितना है बेटा, एल। ठीक है, अब मैंने पहले बोला है कि आपको सेक्शन लेना पड़ता है, लेकिन सेक्शन इस तरह से लेना है कि जितने भी आपके बीम के ऊपर फोर्स होते हैं वो एक साइड हो जाए, है ना, सारे के सारे एक साइड आ जाए इस तरह से। देखिए तो एक ही लोड लगा है इस बीम की स्पान के ऊपर, है ना, तो मैंने इसको इधर ले लिया और सेक्शन इधर काट लिया, या तो यहां पे काट लिया या तो फिर यहां पे काट लिया। ठीक है, काटने के बाद इस पॉइंट के ऊपर मैं मूवमेंट ले रहा हूं, मूवमेंट इस तरह से लेना है कि कम से कम लोड आए, तो एक ही लोड आ रहा है देखिए इस साइड में, या तो इधर से मूवमेंट इधर लीजिए या तो इधर से इधर लीजिए, तो मैंने इधर से लिया, कोशिश करें कि कम से कम लोड आए। ठीक है, तो मूवमेंट लिया तो क्या होगा बेटा, फोर्स इनटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस, फोर्स कितना आ गया है पी बाई टू। देखिए दो रिएक्शन होंगे यहां पे, ए बी बीम है तो ए पॉइंट का रिएक्शन आर ए पी बाई टू और बी पॉइंट का आर बी पी बाई टू, क्यों, आधा लोड यहां चला जाएगा आधा लोड यहां चला जाएगा, है ना, तो पी बाई टू इंटू यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो ये मेरा मूवमेंट आ गया एक्स एक्स पे कितना आ गया एम एक्स लेना है, तो mx बराबर कितना हो जाएगा p by 2 into x हो जाएगा। ठीक है, मूवमेंट आ गया मेरा इस xx सेक्शन पे, मूवमेंट आ गया। ठीक है, ये मूवमेंट आने के बाद मैं क्या करूंगा बेटा, यूजिंग डिफ्लेक्शन इक्वेशन, आपको बताया, देखिए लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने देखा है कि डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होती है आपकी, er d स्क्वायर y / x स्क्वायर, mx की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, ये इसके ऊपर क्या होता है mx, तो mx की वैल्यू मैंने पुट कर दी तो क्या हो गया बेटा p by 2 into x। अब क्या किया मैंने, ऑन इंटीग्रेशन उसको मैंने कर दिया इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करने के बाद इक्वेशन क्या आई मेरी, ई आई डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बार इंटीग्रेशन करूंगा तो एक डी वाई बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स एक क्या किया मैंने, इधर मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने कर दिया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ई आई डी वाई बाई डी एक्स बच गया, और इधर क्या हो गया बेटा, देखिए पी बाई टू कॉन्स्टेंट है तो पी बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी बना गया, फिर से किया तो फिर क्या आ जाएगा, ये dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा बेटा, ई आई डी वाई बच जाएगा और dy का इंटीग्रेशन y, तो ई आई वाई इंटीग्रेशन तो आना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे p बाई फोर कॉमन निकल गया, देखिए यहाँ p बाई फोर कॉमन था तो x स्क्वायर का होता तो x स्क्वायर बाई थ्री हो जाएगा, c1 का c1x वन एक्स प्लस सी टू एक कॉन्स्टेंट और एड हो जाएगा, बिकॉज के दो टाइम हुआ तो दूसरा कॉन्स्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया, अब ये सिर्फ मैथमेटिक्स है आपके सामने, दो इक्वेशन आ जाने के बाद सिर्फ मैथमेटिक्स होता है, C1 और C2 की आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना होता है कोफिशिएंट्स की, और वैल्यूज को पुट कर देंगे फिर से इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, तो आपको dy by dx स्लोप होता है वो मिल जाएगा, और y क्या होता है डिफ्लेक्शन वो मिल जाएगा, बहुत सिंपल है मैथमेटिक्स है, बस यहां तक मेन होता है ये मूवमेंट निकालना, मूवमेंट निकालने के बाद पुट करना है बस। तो देखिए सिंपली सपोर्टेड में याद में रखना कि अंडर द लोड, ये जो जहां पे लोड लगा है सेंटर पे, यहाँ पे स्लोप जीरो होता है, देखिए इस तरह से होता है, देखिए यहाँ पे स्लोप नहीं बनेगा, तो यहाँ पे dy by dx की वैल्यू जीरो होती है ना, इन एंड पे, इस एंड पे थीटा a होगा, इस एंड का स्लोप वो जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फिक्स नहीं, यहाँ पे थीटा b होगा वो भी जीरो नहीं होगा, बात समझ में, दोनों एंड पे थीटा जीरो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि देखिए ये बीम ऐसी थी, ये रोटेट होगी, इतनी घूम गई है यहाँ पे भी देखिए रोटेट होकर ऐसे घूम गई है, फिक्स सपोर्ट में नहीं घूमती, यहाँ घूमती है, ठीक है, मतलब रोटेट होती है अपने शेप से, ठीक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से रोटेट हो गई बेंड हो गई, है ना, तो थीटा ए यहाँ होगा और यहाँ पे थीटा बी होगा, बी पॉइंट का, तो थीटा ए बराबर थीटा बी होगा, क्यों, क्योंकि सेंटर पे लोड लगाए तो इसके बराबर ये होगा ही होगा। ठीक, तो बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी, एट एक्स बराबर एल बाई टू पर आपका स्लोप क्या होगा, जीरो। तो मैंने अब ये स्लोप की इक्वेशन क्या है, ये स्लोप की इक्वेशन होती है, ये डिफ्लेक्शन की इक्वेशन, जहां पे dy by dx हो वो स्लोप की इक्वेशन, जहां पे y हो डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे मैं जीरो रख दू, x बराबर l by 2 रखूंगा, तो देखिए dy by dx जीरो पुट कर दूंगा, तो ये dy by dx जीरो पुट कर दिया, तो ये हो गया जीरो पार्ट, फिर यहां पे क्या कर दिया बेटा,
पी बाई टू है तो पी बाई टू, ये पी बाई फोर हो जाएगा, पी बाई फोर, और एक्स की जगह एल बाय टू रखूंगा तो एक्स एल बाय टू का स्क्वायर, प्लस सी वन है तो सी वन, तो यहां से सी वन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरी माइनस पी एल स्क्वायर बाय सिक्सटीन, ठीक है। अब क्या है एट एक्स बराबर जीरो पर, देखिए अब मुझे C1 की वैल्यू निकल गया, अब C2 चाहिए तो C2 के लिए मुझे इक्वेशन नंबर टू लेना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक पार्ट जीरो करना पड़ता है, मतलब इधर वाला पार्ट जीरो करना होता है, तो y को जीरो करना है, y यहां पर भी जीरो है, y यहां पर भी जीरो है और y यहां पर भी जीरो, दोनों एंड पे y की वैल्यू जीरो, तो यहां पे x बराबर जीरो पर y बराबर जीरो कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे x माना हूं और यहां पे x बराबर एल होगा, देखिए मैंने सेक्शन इधर से इधर लिया हूं तो x बराबर यहां पे सेक्शन है और x धीरे 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 जाएगा यहां पे कितना हो जाएगा x बराबर एल हो जाएगा, लेकिन यहां पे कितना होगा x बराबर जीरो, तो x बराबर जीरो पर y बराबर जीरो, तो पुट कर दूंगा तो ये वाला पोर्शन पुट हो जाएगा y बराबर जीरो, जहां जहां x है जहां जहां x है ये भी जीरो ये भी जीरो, तो जीरो जीरो प्लस सी टू है तो सी टू, सी टू की वैल्यू कितनी निकल गई जीरो। अब क्या करेंगे इन C1 और C2 की वैल्यू निकल गई है तो उनको वापस से यहां पुट कर देंगे तो मुझे dy by dx और y, तो देखिए रोटेशन कहां पे मिलेगा मुझे, स्लोप कहां पे मिलेगा, दोनों एंड पे या तो इस एंड पे या तो इस एंड पे, दोनों की वैल्यू कैसे होगी बराबर, तो मैं या तो x बराबर जीरो ले लू है ना, तो x बराबर जीरो रखूंगा तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा सी वन, तो एट एक्स बराबर जीरो पर dy by dx कितना होगा थीटा b होगा, यहाँ पे x बराबर जीरो यहाँ है तो यहाँ का स्लोप कितना थीटा, लेकिन थीटा a बराबर थीटा b है, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, तो ei थीटा a हो जाएगा dy by dx को मैंने थीटा a लिख दिया और ये जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जीरो पुट किया, c1 की वैल्यू मैंने माइनस pl स्क्वायर बाय 16 रख दिया, तो थीटा a बराबर कितना आ गया मेरा pl स्क्वायर बाय 16, और यही इक्वेशन है मेरे स्लोप की किसके लिए, इस सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अंडर द पॉइंट लोड एट सेंटर, जब सेंटर पे हो, और दूसरी बात एट x बराबर l पे क्या निकलेगा डिफ्लेक्शन, सेंटर पे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जहां पे लोड होता है वहीं पे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, तो यहां पे x बराबर जीरो, यहां पे x बराबर l बाय टू और यहां पे x बराबर l, ठीक है, तो x बराबर l बाय टू पर y बराबर क्या होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, तो बस पुट कर दिए बाय इक्वेशन नंबर टू, तो ई आई वाई मैक्सिमम, y की जगह क्या हो जाएगा y मैक्सिमम, क्योंकि सेंटर जहां पे लोड होता है वहीं पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, तो y की जगह क्या आ जाएगा y मैक्सिमम, अब देखिए p बाई चार किया 12, तो ये 12 हो गया है ना, l की जगह कितना, x की जगह कितना आ जाएगा l बाय टू का क्यूब है ना, उसके बाद c1 की वैल्यू रख देंगे तो c1 की वैल्यू कितनी है माइनस पीएल बाई 16, तो माइनस पीएल बाई 16, x की जगह कितना पुट करना है x की जगह l बाय टू, तो l बाय टू पुट कर दिया, उसके बाद c2 की वैल्यू जीरो है तो ये c2 की वैल्यू जीरो, इसको जब आप सॉल्व करेंगे अच्छे से है ना, देखिए इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना, तो यहाँ पे pl क्यूब बाय 12 इंटू ए कितना होगा 2 का क्यूब कितना होगा 8, माइनस pl क्यूब आ जाएगा l स्क्वायर प्लस l कितना हो जाएगा l क्यूब, और 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 48 ei pl क्यूब, ei इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो pl क्यूब अपॉन 48 ei, और यही है मेरा डिफ्लेक्शन, मैंने बहुत जल्दी में बहुत अच्छे से बता दिया आप लोगों को, आप बार बार रिवाइज करके देखें इसे, बार बार आप लोग वीडियो को पॉज करके देखें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कहां पे क्या चीजें होती है, मैंने सारी चीजें बता दी है, ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन पॉइंट लोड एक्टिंग ऑन सेंटर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे क्या होगा आपका यूडीएल लोड लगा होगा, तो यूडीएल के लिए आप लोग देखेंगे कि डिफ्लेक्शन और स्लोप क्या होता है, चलिए बेटा आप लोग इसे नोट कर लें पॉज कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।